इक्सी में कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों देखो, इक्सी एक एडवांस प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम IVF को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। इक्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमको एज एम्ब्रोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। इक्सी एक ऐसी मशीन होती है इक्सी के लिए जिसमें एक इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होता है और जिसमें दो तरफ, एक तरफ होल्डिंग स्टैंड होता है, दूसरी तरफ इंजेक्टिंग स्टैंड होता है और ये सब इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है, जिस वजह से स्पर्म जो कि 5-10 माइक्रोन तक होता है और एग जो कि 120 माइक्रोन तक होता है, मतलब 1 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं, जिनको हम अब नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, नॉर्मली वो दिखेंगे ही नहीं, जो केवल माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं, उनको हम इक्सी मशीन की मदद से पकड़ लेते हैं और एग को होल्ड करके स्पर्म को, एक एक स्पर्म को उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए उसको इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मशीन बोलते हैं। अच्छा, इसी मशीन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये ना बड़ी स्पेशल काइंड ऑफ मशीन होती है। इसमें एक माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम लोग इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कई सारी कंपनीज का आता है लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है और जो इसके इंजेक्टिंग और होल्डिंग आर्म्स होते हैं इनके लिए स्पेसिफिक एक टेबल होती है जिसमें एकदम भी वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। वो टेबल भी अच्छी खासी महंगी होती है। महंगाई के मामले में या खर्चे के मामले में इक्सी सेटअप करने में आप ये समझ लो जितने में अकेले ये इक्सी मशीन आती है ना, उतने में आप कम से कम नहीं तो अगर आप चाहो तो 2 IVF लैब लगा सकते हो। तो इसके लिए एक्सपर्ट एम्ब्रोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं कि मीन्स जिनको बिल्कुल प्रिसाइजली वो स्पर्म को होल्ड कर सकते हो और बिल्कुल प्रिसाइजली वो एग को होल्ड कर सकते हो बिना इनको नुकसान पहुंचाए। और इसमें ना बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जो ज़रूरी नहीं है कि जो IVF करता हो उसको इक्सी आती है। इक्सी एक बहुत स्पेशल ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है, जो सालों इस चीज़ में लगा रहता है वही इक्सी कर पाता है अच्छे ढंग से। कहने को आपको कई लोग बोल देंगे जो इनके पास इक्सी मशीन नहीं भी होगी वो भी एक बार को बोल देंगे कि हाँ हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट को इक्सी आती है। बट इसको करने के लिए एक सच में एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो और जनरली अब ज़्यादातर जिन भी सेंटर्स में इक्सी मशीन होती है हम लोग प्रेफर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कन्वेंशनल IVF से ज़्यादा इक्सी की जाती है बिकॉज हम लोग रिस्क नहीं लेते। अब देखो IVF में क्या है, एग के चारों तरफ आपने स्पर्म छोड़ा, अब कोई एक स्पर्म एग के अंदर जाएगा नहीं जाएगा ये आपको नहीं पता। तो सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन रेट हम बोलते हैं IVF में 40-45% रहता है, लेकिन इक्सी के केस में फर्टिलाइजेशन रेट 95% या ऑलमोस्ट 100% होता है बिकॉज वी मेक श्योर कि एक एक एग को एक एक स्पर्म मिल जाए। तो उसमें फिर कोई डाउट नहीं रहता कि हाँ इस एग को स्पर्म नहीं मिला या इसका फर्टिलाइजेशन ढंग से नहीं हुआ। तो एक इक्सी का ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी सक्सेस रेट अच्छी हो जाती है और ये हम पिछले 7-8 सालों से तो आराम से हम कर ही रहे हैं। 99% पेशेंट में इक्सी ही होता है। सेकेंड थिंग, इक्सी की कॉस्ट की बात हम लोग कर रहे थे तो डिपेंड करता है जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ रहा है इसमें जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसका मैग्निफिकेशन हम कितना बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मली इक्सी की जो मशीन है वो 40-45-50 लाख तक की भी हो सकती है अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं लेंसेज में, जिससे उनको स्पर्म को देखने की क्षमता हमारी बढ़ जाए। तो उसमें IMSI बोलते हैं उसको, मींस मॉर्फोलॉजिकली स्पर्म को हम सेलेक्ट करके इंजेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें हम अगर कंपनी वाइज चलते हैं तो कुछ बहुत अच्छी रोबस्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं जिनका कॉस्ट 70-80 लाख तक भी आ सकता है। तो ओवरऑल इसका मेंटेनेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल इसको रखने के बाद इसको आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, प्लस कौन इसमें काम कर रहा है या कौन कौन इसमें काम कर रहा है। जैसे हमारे 22 IVF में
ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट 100% मैं ही इसी मशीन पे काम करता हूँ, बिकॉज इसके पार्ट्स वगैरह भी काफ़ी महंगे हैं। मतलब मैंने अभी कहा आपसे इसको मेंटेन करना इज रियली वेरी यू नो डिफिकल्ट टास्क, कि टाइम टू टाइम इसकी सर्विसिंग होना बहुत ज़रूरी है, और जो जो इसमें इसी के लिए हम लोग डिफरेंट मीडिया यूज़ करते हैं वो भी कॉस्टली होता है, उसकी जो शेल्फ लाइफ या उसकी जो एक्सपायरी डेट बहुत कम होती है, तो जब हमें केस करना होता है जनरली उसके अकॉर्डिंगली ही, केस के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको ऑर्डर करते हैं ताकि हमारा एक्सपायरी वाला कंजम्पशन कम हो। वहीं जब अब रनिंग आयु सेंटिंग में इस तरह की चीज़ें कम होती हैं, बट स्टिल वी हैव टू टेक रियली एक्स्ट्रा केयर अबाउट दिस मशीन, बिकॉज मेरे हिसाब से हमारी लैब की जान है इसी, बिकॉज कन्वेंशनल IVF अब धीरे धीरे आउटडेटेड होता जा रहा है, क्योंकि उसमें 100% फर्टिलाइजेशन रेट की संभावना कम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कन्वेंशनल आईवीएफ सेंटर से प्रेफर की जानी चाहिए इसकी, बट हाँ इसकी करने से हम लोग को रिजल्ट में अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं, पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा होती है, बिकॉज हम मेक श्योर करते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, और एक ये एक कॉस्टली प्रोसीजर है। तो जनरली जब हम लोग IVF करते हैं तो इसमें अगर हम स्टेप्स इन्वॉल्व करें तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो IVF की जगह ICSI हो जाता है, बाकी सारे स्टेप्स कॉमन रहते हैं। तो जब हमारे पास ICSI मशीन है, हमारे पास ICSI की एक्सपर्टीज है, तो हमको ज़रूरी नहीं है कि हम IVF करें, हम उसकी जगह पर ICSI प्रेफर करते हैं, जिसमें होल्डिंग नीडल, इंजेक्टिंग नीडल, कुछ मीडिया और उसके डिस्पोजेबल, उसकी डिशेज वगैरह का खर्च एक्स्ट्रा हो सकता है, और ICSI का फिर IVF की जगह ICSI का कॉस्ट लग जाता है। तो क्योंकि इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, ये मशीन को प्रोक्योर करना बहुत मुश्किल है, ये एक बहुत ही कॉस्टली मशीन है, मिलता है मिनिमम 40-45 लाख की आती है। तो इसलिए जब हम ICSI को ऐड करते हैं, क्योंकि इससे हमको फ़ायदा भी हो रहा है, रिजल्ट भी बढ़ रहा है, तो ICSI मशीन में खर्च एक्स्ट्रा आता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ICSI से रिलेटेड कोई और सवाल पूछना हो तो आप इस नंबर पर मुझसे बात करें। थैंक यू सो मच।